हिंदू मान्यताओं के अनुसार चार धाम की यात्रा करने से व्यक्तियों के सारे पाप धुल जाते हैं। चाहे कितनी ही बड़ी विकट समस्या क्यों ना हो, वो पल भर में ही हर ली जाती है। इसलिए हिंदू धर्म में चार धाम यात्रा का एक बहुत ही बड़ा महत्व है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। मैं हूँ आपका दोस्त निकुंज मेसराम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको पवित्र चार धाम की यात्रा करवाने ले जा रहा हूँ, तो मेरी वीडियो को बिना स्किप करें अंत तक जरूर देखें। साथ ही मेरे वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। केदारनाथ धाम। केदारनाथ मंदिर भारत के उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। उत्तराखंड राज्य में हिमालय पर्वत की गोद में यह भव्य केदारनाथ मंदिर स्थित है। यह 12 ज्योतिर्लिंग में सम्मिलित होने के साथ चार धाम और पंच केदार में से भी एक है। यहाँ ठंड में भारी बर्फ और बारिश में जबरदस्त पानी रहता है, इसलिए यह मंदिर अप्रैल से नवंबर माह के मध्य ही दर्शन के लिए खुलता है। इस मंदिर के बारे में ऐसा कहा जाता है कि यह मंदिर 400 सालों तक बर्फ में ढका रहा है। पत्थरों से बने कत्यूरी शैली से निर्मित इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण पांडवों ने करवाया था। यहाँ स्थित स्वयंभू शिवलिंग अति प्राचीन है। बाद में इस मंदिर का जीर्णोद्धार आदि शंकराचार्य जी ने करवाया था। केदारनाथ जी का यह मंदिर आम दर्शनार्थियों के लिए प्रातः 6 बजे खुलता है। दोपहर 3 से 5 बजे तक यहाँ विशेष पूजा होती है। इसके बाद विश्राम हेतु मंदिर बंद कर दिया जाता है। पुनः 5 बजे जनता के दर्शन हेतु यह मंदिर फिर खोला जाता है, जो रात्रि 8 बजे पुनः बंद कर दिया जाता है। केदारनाथ की यात्रा में शामिल होने के लिए आप हरिद्वार या ऋषिकेश से आ सकते हैं। हरिद्वार देश के सभी बड़े और प्रमुख शहरों से रेल द्वारा जुड़ा हुआ है। हरिद्वार तक आप ट्रेन से आ सकते हैं। यहां से आगे आप चाहे तो टैक्सी बुक कर सकते हैं या बस से भी आ सकते हैं। बद्रीनाथ धाम। बद्रीनाथ का यह भव्य मंदिर उत्तराखंड राज्य के चमोली जनपद में अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। यह मंदिर हिंदू देवता भगवान विष्णु को समर्पित है। यह पवित्र मंदिर चार धामों में से एक है। इस मंदिर के निर्माण के बारे में ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण 7 से 9वीं सदी के मध्य आदि शंकराचार्य जी ने करवाया था। मंदिर के नाम पर ही इसके आसपास बसे नगरों को बद्रीनाथी कहा जाता है। भौगोलिक दृष्टि से यह स्थल हिमालय पर्वत श्रृंखला के ऊंचे शिखरों के मध्य गढ़वाल क्षेत्र में समुद्र तल से 3,133 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। हिमालय पर्वत में बसे होने के कारण यहाँ ठंड में भारी ठंड गिरती है। इसी कारण यह मंदिर साल में 6 महीने अप्रैल से लेकर नवंबर तक ही दर्शन के लिए खुला होता है। बद्रीनाथ मंदिर में हिंदू धर्म के देवता विष्णु के एक रूप बद्रीनारायण की पूजा होती है। यहाँ उनकी 1 मीटर लंबी शालिग्राम से निर्मित मूर्ति है, जिसके बारे में ऐसी मान्यता है कि इसे आदि शंकराचार्य जी ने 7वीं शताब्दी में समीप स्थित नारद कुंड से निकालकर स्थापित किया था। विष्णु पुराण, महाभारत तथा स्कंद पुराण जैसे कई प्राचीन ग्रंथों में इस मंदिर का उल्लेख मिलता है। बद्रीनाथ दर्शन के लिए आप ऋषिकेश से बाय प्लेन, बाय ट्रेन या बाय वे आ सकते हैं। ऋषिकेश से टैक्सी और बस सुविधा के माध्यम से भी बद्रीनाथ आसानी से पहुंचा जा सकता है। यमुनोत्री धाम। यमुनोत्री देवी यमुना का मंदिर है, जो उत्तरकाशी जिले में स्थित है। ऐसा माना जाता है कि यमुना यमराज और शनिदेव की बहन है। भाईदूज पर यमुना के दर्शन और मथुरा में स्नान करने का एक विशेष महत्व है। यमुना सर्वप्रथम जल रूप से
कलिंद पर्वत पर आई, इसलिए इनका एक नाम कालिंदी भी है। सप्त ऋषि कुंड सप्त सरोवर कलिंद पर्वत के ऊपर ही स्थित है। यमुनोत्री धाम सकल सिद्धियों को प्रदान करने वाला धाम कहा जाता है। पुराणों में उल्लेख है कि श्री कृष्ण की 8 पटरानियों में से एक प्रियतर पटरानी कालिंदी यमुना भी है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति यमुनोत्री धाम आकर यमुना जी के पवित्र जल में स्नान करते हैं तथा यमुनोत्री के सानिध्य खरसाली में शनिदेव के दर्शन करते हैं, उनके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। यमुनोत्री में सूर्य कुंड, दिव्य शिला और विष्णु कुंड के स्पर्श और दर्शन मात्र से लोगों के समस्त पाप मुक्त हो जाते हैं और वह परम आनंद को प्राप्त करते हैं। अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर मंदिर के कपाट खोलते हैं और दीपावली अक्टूबर से नवंबर के मध्य पर बंद हो जाते हैं। यमुनोत्री पहुंचने के लिए सबसे नज़दीकी हवाई अड्डा देहरादून है, जो यमुनोत्री से 210 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जबकि नज़दीकी रेल मार्ग भी देहरादून है, जो कि 175 किलोमीटर दूर है, जबकि ऋषिकेश से यह 200 किलोमीटर की दूरी पर है, जबकि यहां पहुंचने के लिए बस सुविधा और टैक्सी की भी सुविधा उपलब्ध है। गंगोत्री धाम। गंगोत्री गंगा नदी का उद्गम स्थल है। गंगा जी का यह पावन मंदिर समुद्र तल से 3042 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। भागीरथी के दाहिने ओर का परिवेश अत्यंत आकर्षक एवं मनोहारी है। गंगा मैया के इस मंदिर का निर्माण 18वीं शताब्दी के शुरुआत में किया गया था। वर्तमान मंदिर का पुनर्निर्माण जयपुर के राजघराने द्वारा किया गया था। प्रत्येक वर्ष मई से अक्टूबर के महीने के मध्य पावनी गंगा मैया के दर्शन करने के लिए लाखों भक्त यहां आते हैं। यमुनोत्री की तरह गंगोत्री का पावन मंदिर भी अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर खुलता है और दीपावली के दिन मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। गंगोत्री शहर धीरे धीरे मंदिर के इधर गिद्र विकसित हुआ है, जिसका इतिहास 1200 वर्ष पुराना है। इसके पहले भी अनजाने कई सदियों से यह मंदिर हिंदुओं के लिए आध्यात्मिक का प्रेरणा स्रोत रहा है। गंगोत्री मंदिर के इतिहास के बारे में ऐसा कहा जाता है कि प्राचीन काल में यहाँ मंदिर नहीं था। गंगोत्री में पुजारियों के द्वारा गंगा माँ के साकार रूप यानी गंगा धारा की पूजा की जाती थी। जब सर्दी प्रारंभ होती है, देवी गंगा अपने निवास स्थान मुजबा गांव चली जाती है, वहाँ अक्षय तृतीया के दिन वापस आती है। इसके बाद गंगोत्री मंदिर पूजा के लिए खुल जाता है। इस उपलक्ष्य में पारंपरिक रीति रिवाज संगीत नृत्य का उत्सव मनाया जाता है। गंगोत्री पहुंचने के लिए नज़दीकी हवाई अड्डा देहरादून है, 226 किलोमीटर, जबकि नज़दीकी रेलवे स्टेशन भी देहरादून है, जबकि आप यहां सड़क मार्ग द्वारा भी पहुंच सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको चार धाम की यात्रा बेहद पसंद आई होगी। मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताएं आपको मेरी यह वीडियो कैसी लगी। दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के साथ। जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।